everyone, I am Anushka Chaudhary. Today in this video, I am going to answer a few of the questions as an interview. So, first of all, it's a very, very happy and proud feeling for me to be in the school that I always wanted. मैं इतनी खुश थी जब मेरा सिलेक्शन हो गया था. I could not like express that feeling yet. और मेरे पेरेंट्स भी इतने खुश थे, एंड दैट वाज वन ऑफ द ग्रेट थिंग कि मैंने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया. और मुझे सेवेंथ से पता था इस स्कूल के बारे में, एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम सिंस सेवेंथ. और बहुत हैप्पी जर्नी भी थी और थोड़ी टायरिंग और हार्ड वर्किंग ऑफकोर्स. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस. फर्स्ट, सुबह मैं कितने बजे उठती थी? मेरा शेड्यूल बहुत नॉर्मल रहता था. मैं 6 बजे ही उठती थी सुबह, एंड सुबह तो मैं नहीं पढ़ती थी. मैं स्कूल से आके जो होता था पढ़ना था तो वैसे मैं पढ़ती थी. बट या ड्यूरिंग द लास्ट फ्रेज जब एग्ज़ाम आने वाला था तो मैं सुबह उठती थी अप्रॉक्स 5 or 4:30 जब स्कूल थोड़ा पास आ गया था एग्ज़ाम, क्योंकि स्कूल और उस टाइम का टाइम थोड़ा मैनेज करने के लिए मैं जल्दी उठती थी. तो कोई फिक्स नहीं था 4:30 or 5. ये जो डोमेन चूज़ किया है इससे मैं आगे क्या बनना चाहती हूँ? आई वॉन्ट टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, दैट्स वाई चूज दिस लाइन. सो पढ़ते टाइम क्या डिस्ट्रैक्शन होते थे और उसे कैसे मैनेज किया? ऑफकोर्स एक स्टूडेंट एंड स्पेशली अ स्टूडेंट ऑफ दिस एज बहुत डिस्ट्रैक्शन होते हैं. फ़ोन्स आ गए हैं, हर चीज़ इतनी मतलब क्रीमी सी एज कहते हैं हम इस एज को. डिस्ट्रैक्शन भी इस एज में बहुत ज़्यादा होता है. तो मैंने उसे कैसे मैनेज किया कि आई यूज़ टू मोटिवेट माई सेल्फ कि नहीं, एक बार ये कोर्स ख़त्म कर लूँ, ये जो आज मैंने प्लान किया है वो मैं ख़त्म कर लूँ, देन आई वुड डू वट एवर आई वॉन्ट. मेरा एक प्लान होता था कि मैंने आज पूरे दिन में ये सोचा है कि येस आई वॉन्ट टू डू ऑल दीज थिंग्स. और अगर ये चीज़ मेरी कंप्लीट हो गई, मैंने आज का जो टास्क था अपने आप को जो असाइन किया था वो मेरा कंप्लीट हो गया, तो लास्ट में मैं खुद को एक प्रेजेंट देती थी. वो कुछ भी हो, लाइक अ लिटिल स्मॉल थिंग, या कोई मेरा फेवरेट खाना खा लिया मैंने, कोई फेवरेट स्नैक खा लिया मैंने, तो वो मैं खुद को एक गिफ्ट देती थी कि यस तुमने आज अपना काम कंप्लीट कर लिया, सो इट्स अ गिफ्ट फॉर योरसेल्फ. और इससे मैं ज़्यादा मोटिवेटेड भी रहती थी कि नहीं, कल मैंने काम कंप्लीट किया था तो मुझे गिफ्ट मिला था, तो मुझे आज भी वो चीज़ चाहिए. तो मैं कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें करती थी जिससे मैं डिस्ट्रैक्ट ना रहूँ. जो मैंने कोर्स प्रिपेयर किया है आज का करने के लिए वो मैं पहले फिनिश करूँ. सेकेंड क्वेश्चन, क्या सेवन्थ और नाइन्थ के क्वेश्चन आए थे? सेवन्थ के तो ऑफकोर्स हाँ, आपका एट्थ तक जो बेस है वो तो क्लियर होना ही चाहिए. नाइन्थ के नहीं आए थे क्वेश्चन, एट्थ के ही एनसीईआरटी थी. नाइन्थ के कोई क्वेश्चन नहीं था, एट्थ का ही एनसीईआरटी था, और एट्थ से पहले जो बेसिक्स होते हैं दैट्स इट. नोट्स कहाँ से प्रिपेयर किए थे और एनसीईआरटी बुक की रीडिंग कितनी मैटर करती है? एनसीईआरटी, फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी ऑफकोर्स मैटर करती है, क्योंकि एसओएससी इज़ ऑल बेस्ड ऑन एनसीईआरटी. एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है. तो साइंस में तो ये मोस्ट हेल्पफुल है. तो स्कूल जब मैं जाती थी तो मैं स्कूल से एनसीईआरटी रीड होती है स्कूल में, तो मैं अंडरलाइन कर लेती थी, या दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इसको मुझे अपनी नोट्स में लिखना. और नोट्स मैंने कहाँ से प्रिपेयर किए? मैंने यूनिक क्लास से प्रिपेयर किए थे नोट्स. मैम हमेशा हर चैप्टर जो पढ़ाती थी उनके वो नोट्स हमें प्रोवाइड करती थी, तो मैं उन नोट्स को पढ़ती थी. और ये एक्सेप्शन होता था कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा उसमें लिखना पड़ रहा है, वो इतना ही फुलफिल होता था अपने आप में. तो रीडिंग मैटर करती है. और मैं प्रेफर करूँगी टाइम मैनेजमेंट के लिए कि आप जब स्कूल में आपकी एनसीईआरटी रीड होती है आप तभी उसको अंडरलाइन कर लीजिए, और बाद में जब आप नोट्स बनाएं तो उसमें लिख लो कि यस दैट वाज इम्पॉर्टेंट, मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा था इसे. क्या पढ़ाई करने के साथ इंजॉय करना चाहिए और आपने कैसे किया? यस पढ़ाई के साथ इंजॉय करना चाहिए, ऑफ कोर्स करना चाहिए. मैंने तो बहुत इंजॉय किया है, मतलब बहुत ज़्यादा. और मैं स्पेशली क्या करती थी ना कि अगर मैं मैथ्स की क्वेश्चन कर रही हूँ तो मैं पीछे सॉफ्ट म्यूज़िक चला लेती थी. मेरी आज भी आदत है ये कि अगर मैं कोई मैथ्स का क्वेश्चन करने बैठी हूँ या मैथ्स की एक्सरसाइज करने बैठी हूँ तो मैं पीछे म्यूज़िक चला देती हूँ, जिससे मुझे वो टायरिंग भी ना लगे, मेरा थोड़ा मूड भी रिफ़्रेश रहे. और कभी कभी होता था मैं खेलने चली जाती थी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करती थी. पढ़ाई के साथ
इंटरटेनमेंट मैटर करता है, वरना अगर आप 24 घंटे पढ़ते रहेंगे और कंटिन्यूसली पढ़ते रहेंगे, खुद को एंटरटेन नहीं करेंगे ना, तो एक टाइम के बाद बहुत चीज़ें ना ऐसा लगेगा बस ब्लास्ट हो गया माइंड, अब तो अब बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है इसकी वजह से। इसलिए एंजॉयमेंट इज़ अ मस्ट मस्ट। अब वो आप पे मैटर करता है कि आप उसको कैसे देखते हैं। सेकेंड, क्या किसी एक पोर्शन रीजनिंग मैथ्स या साइंस पढ़ें तो सिलेक्शन हो सकता है? मैं तो नहीं कहूँगी कि नहीं हो सकता। अभी इस बार का कट ऑफ 249 गया था एंड मैथ का सेक्शन ही 2110 का होता है और सारे तो उससे कम ही होते हैं। एक सेक्शन पढ़ने से बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको सारे सेक्शंस पे फोकस करना चाहिए। एंड अगर अच्छा ठीक है आपने एक पढ़ के कर भी लिया, लेकिन जब आप स्कूल में जाएंगे तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इट्स अ मस्ट कि आप तीनों सेक्शंस पे प्रिपेयर करें एंड इट्स तीनों सेक्शन ही बहुत इंटरटेनिंग है, बहुत मज़ा आता है तीनों सेक्शंस को ही पढ़ने में। तो यस, आपको तीनों प्रिपेयर करने चाहिए। क्लास 8th में कितने मार्क्स आए थे और SOSE और एनुअल एग्जाम्स को कैसे मैनेज किया? मेरे 8th में 94.57 आए थे, 57% आए थे। आई वॉज वन ऑफ द टॉपर्स ऑफ माई क्लास। तो एनुअल एग्ज़ाम और SOSE इतना, इनको मैनेज करना इतना हार्ड नहीं होता था, क्योंकि मैथ्स और साइंस तो मुझे वही पढ़ना है जो मुझे एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना है। बट या लास्ट मोमेंट पे थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करते रहें। नोट्स हर सब्जेक्ट में बनाए, इवन मैंने जो सोशल में भी नोट्स बनाया, आई यूज टू मेक नोट्स इन एवरी सब्जेक्ट, साइंस, सोशल, समटाइम्स मैथ की फॉर्मूला चार्ट बना लिया या आइडेंटिटीज़ का चार्ट बना लिया। तो जिस भी सब्जेक्ट में आप नोट्स बना सकते हैं, पॉइंट्स लिख सकते हैं, उसमें लिख लीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे एग्जाम पे आप पूरी बुक रीड नहीं कर सकते, इट्स वेरी इम्पॉसिबल। और वेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एंट्रेंस एग्जाम तो वो और डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप नोट्स बनाएं, जो आप का जब एग्जाम हो तो आप नोट्स को पढ़ें, गो थ्रू करें एंड देन यू गिव द एग्जाम। बहुत ईजी होता है, हार्ड नहीं होता है कुछ भी। तो नोट्स प्रिपेयर करना इस अभी से आदत डालते हैं, तो फिर वो आगे जाके हमें हायर ग्रेड्स में भी हेल्प करता है। पेड क्लासेस से हेल्प हुई तो कैसे हुई? मुझे तो पेड क्लासेस से बहुत हेल्प मिली, लाइक सीरियसली बहुत हेल्प मिली। मुझे प्रिपेयर्ड नोट्स मिल जाते थे, क्योंकि इनिशियली एक चीज़ और है कि SOSE में डिलीटेड चैप्टर्स भी आते हैं, और मैंने अपने प्रोसेस में डिलीटेड चैप्टर्स को नहीं पढ़ा था, बट मैम ने मुझे वो डिलीटेड चैप्टर्स भी पढ़ाए, उनके नोट्स भी प्रिपेयर करवाए, मतलब वो उन्होंने वो नोट्स सेंड करे। एंड लिटरली उस चैप्टर में से 3-4 क्वेश्चन थे, दैट चैप्टर वॉज फाइबर टू फैब्रिक, एंड इट वॉज लाइक अ ब्लेसिंग कि मैंने वो चैप्टर पढ़ लिया, वरना मेरे कितने मार्क्स कट हो जाते। तो मैम की वजह से तो बहुत हेल्प हुई। इवन मुझे कभी भी कोई डाउट होता था एग्जाम से रिलेटेड, या कभी भी कुछ डाउट होता था, आई यूज टू कॉल हर, शी वॉज ऑलवेज विद अस, वो हमेशा हमारी हेल्प करती थी। तो मुझे तो पेड क्लासेस से बहुत हेल्प हुई, लाइक इन साइंस स्पेसिफिकली, साइंस में तो मुझे बहुत ज़्यादा ही हेल्प हुई पेड क्लासेस से। और कभी ऐसा हुआ कि आपने अपना मन मारा हो? मैंने स्पेसिफिकली कोई सैक्रिफाइसेस नहीं किया, मतलब बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस नहीं किया अपना डेली रूटीन से और अपने इन्जॉयमेंट से, बट या समटाइम्स मैंने किया है, नॉट ऑलवेज, बट या समटाइम्स आपको करना होगा टू अचीव समथिंग, नॉट ऑलवेज कि आपको रात में सोने को नहीं मिल रहा है या यू आर नॉट हैविंग बेसिक रिक्वायरमेंट्स इन जो स्टूडेंट्स की लाइफ में होती हैं, आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स फिल करने को मिलेंगी, बट देर वुड बी समटाइम जब यू हैव टू सैक्रीफाइस दूस थिंग्स, यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, और आपको मेहनत तो करनी होगी। मॉक टेस्ट सीरीज और वन शॉट वीडियो से कितना फ़ायदा हुआ? बहुत फ़ायदा होता है, एंड स्पेसिफिकली लास्ट मंथ पे जब एग्ज़ाम मतलब एक महीना दूर है या कुछ बहुत कम टाइम बच गया एग्ज़ाम को, तब तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि तब आप नए चैप्टर्स पढ़ नहीं सकते हैं। अब आपने जो पढ़ा है उसको ही रिकलेक्ट करना है, उसको ही रिवाइज करना है, तो उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं हर तीनों सेक्शंस के, रीजनिंग, मैथ, साइंस। तो मॉक टेस्ट सीरीज और वन शॉट सीरीज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है लास्ट मोमेंट पे। यूनिक क्लास
आपकी जो चैनल है उसमें क्या डिफरेंस है रादर देन अदर चैनल्स. मेरे अकॉर्डिंगली यूनिक क्लास इज बेस्ट फॉर SSC. लाइक द बेस्ट थिंग अबाउट यूनिक क्लास इज द टीचर्स. ठीक है, वहाँ मतलब खुशी मैम एंड योजना मैम, दे आर जस्ट फैबुलस. लाइक दे ऑलवेज मोटिवेट मी. मेरे को तो कभी कभी ज़रूरत भी पड़ती थी मोटिवेशन की, तो मैं उनसे कभी कभी बात कर लिया करती थी, या मुझे कोई भी डाउट है आई यूज टू गो टू हर एंड वो हमेशा वो मेरे डाउट्स क्लियर करती थी. दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि आपको टीचर स्टूडेंट कंसल्टेशन मिल रहा है, टीचर्स आर ऑलवेज विद यू, वो हर चीज़ कर रहे हैं आपके लिए, दे आर डूइंग बेस्ट फॉर देयर स्टूडेंट्स. सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट यूनिक क्लास आई फील. आपका स्टडी में आइडियल कौन है? मेरा स्टडी में आइडियल मेरी मम्मी है, स्पेसिफिकली माई पेरेंट्स एंड इन दैट माई मदर, शी इज़ बेस्ट. उनको ही मैथ इतना पसंद है एंड दैट्स वाई आई गॉट दैट कैपेबिलिटी कि मुझे इतना मैथ पसंद आया. एंड आई ऑलवेज सी हर एंड आई गॉट मोटिवेटेड कि नहीं, मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी वो चीज़ करनी है. क्योंकि माई मदर इज़ वेरी गुड स्पेसिफिकली इन मैथ्स. तो मुझे कोई भी डाउट होता था, आई यूज़ टू गो टू हर एंड वो मेरा डाउट क्लियर हो जाता था. तो आई फील दैट शी इज़ माई आइडियल इन स्टडीज एंड रादर देन दैट माई टीचर्स, दे आर ऑल्सो माई आइडियल्स. उन्होंने हमेशा मेरी हेल्प किया एंड वेन आई सी देम आई ऑल्सो लाइक आई वॉन्ट टू बी लाइक देम. कि कभी भी मेरे पास कोई भी आए तो आई शुड बी इन अ सिचुएशन दैट आई कुड क्लियर देयर डाउट एंड दे माई टीचर्स आर इन दैट सिचुएशन. तो मुझे उनसे मोटिवेशन मिलता था कि नहीं, मुझे भी इनकी तरह बनना है. थैंक यू.